जीके का डोज एक हर रोज में जीव विज्ञान का ये दूसरा सीरीज है और ये पार्ट 13 है जीके का डोज एक हर रोज का। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाली वीडियो में मैं जीव विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्नों को लेकर के आया था, जिसमें आपको चैलेंज था कि 20 में से 15 प्रश्न करने के लिए। आप लोगों ने ट्राई किया, कुछ एक आप लोगों ने इसको सही भी किया है, बट दिस इज द सेकेंड सेशन और इस सेशन में भी 20 क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आपको 15 क्वेश्चन का चैलेंज दिया जा रहा है कि अगर आप 20 में से 15 क्वेश्चन कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्टडी अच्छी है और ये कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे जीव विज्ञान के सेशन आगे आगे चलते रहेंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्जामों में जहाँ भी एक दिवसीय परीक्षाएं जो होती हैं, चाहे वो SSC, CHSL, CGL कोई भी एग्जाम हो, वहां पर इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। खासकर रेलवे NTPC के जो एग्जामिनेशन होने वाले, CGS, CHSL के होने वाले हैं, वहां पर तो जरूर पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा प्रश्न करिएगा और जिन प्रश्नों में भी डाउट हो उसे कमेंट में जरूर करिएगा और अपने मार्क्स को शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर इसकी PDF आपको डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशंकर तिवारी और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर एक्सपीरियंस पर देख रहे हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपको जो मेरी पिछली वीडियोज हैं उनसे वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहां पे सब्जेक्टिव जीके का सेक्शन है, उस सेक्शन में आपको ये सारी तमाम वीडियोज मिल जाएंगे जिसे मैंने जीके क्विज, जीके का डोज एक हर रोज वाली सेशन, पॉलिटी, बायोग्राफीज एंड स्पेशल वीडियो के साथ साथ करंट अफेयर के सीरीज को मैं काफी बार लेकर के आता हूँ और इन चीजों को भी आप वहाँ पे देख पाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। आज का हमारा आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग नहीं है, जो कि एक संचारी रोग वो होता है जो कि ऐसा ओरली फैलता है ना, जैसे कि कोरोना वायरस है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहा है। उसके संचार के लिए ऐसा कुछ ब्लड का सर्कुलेशन होना जरूरी है या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट हो या ना कांटेक्ट हो, पास में आने की वजह से वो फैल जाता है। एक जानवर से दूसरे जानवर में, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलने वाली बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। कुल मिलाकर छुआछूत की जो बीमारियां होती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बीमारी है जो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। ऑस्टियोपोरोसिस जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज है और इस डिजीज में होता क्या है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है आपके बॉडी में और जिसकी वजह से आपके शरीर की हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर होने लगती हैं और ये डिजीज काफी ज्यादा भयंकर होती है और हड्डियां कभी कभी इसमें ब्रेक भी होने लगती है। तो ऐसे में आपको इससे बचना की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू द लैक ऑफ द कैल्शियम यहाँ पर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की जो डिजीज होती है वो हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोग जिसमें मुख गुहा ठीक से नहीं खुलती, यानी कि डिज इन विच ओरल कैविटी डज नॉट ओपन, यानी कि जो आपका माउथ होता है ना वो ठीक से खुलता नहीं है। ऐसा ज्यादातर उन लोगों में होता है जो गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट वगैरह पीने के जो आदि होते हैं, उनकी जो माउथ की कैविटी होती है ना, जो लोअर जॉ होता है, वो ठीक से ओपन नहीं हो पाता। तो वैसी इस तरह की डिजीज को हम क्या बोलते हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सब म्यूकस फाइब्रोसिस, है ना। ये बीमारी है जिसकी वजह से मुख जो होता है वो खुलता नहीं है, इसलिए गुटखा, पान, सिगरेट, दारू, शराब, इस तरह की चीजें का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा चलिए, ये सब चीज मैंने आपको बता दी है, ड्यू टू रिजिड जॉ डज नॉट ओपन प्रॉपरली, है ना, जिसकी वजह से जॉ हमारा रिजिड हो जाता है, जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो पाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का अधिकतम निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है ना, द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय, ओके। तो आपको क्या पता चलता है कि जो सोलर एनर्जी है उसका सबसे ज्यादा यूज कौन करता है। आजकल तो इंडिया ने सोलर पैनल के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे डिमांड हो चुकी है और इंडिया चाहता है कि पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी का यूज करने वाला भारत नंबर वन बने। और आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में अभी तक जो सबसे ज्यादा सोलर पावर एनर्जी का जो यूज करता है वो होता है डेनमार्क, है ना। तो इस तरीके से सोलर एनर्जी का इंसानों के द्वारा भी सोलर पैनल यूज करके किया जा रहा है, बट फिलहाल कौन है जो सोलर एनर्जी का सबसे ज्यादा यूज करता है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे ग्रीन प्लांट, है ना। जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं वो सोलर एनर्जी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये कब करते हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होती है। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में प्लांट क्या करते हैं, सन की लाइट में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपने भोजन को बनाते हैं, अपने खाना को बनाते हैं और जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है। और उसी प्रक्रिया में प्लांट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को भी छोड़ते हैं।
तो ये पूरा प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से प्लांट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को प्योर भी करते हैं। तो ये बात आपने समझ ली कि जो मैक्सिमम फिक्सेशन होता है सोलर एनर्जी का वो प्लांट के द्वारा होता है, ग्रीन प्लांट के द्वारा होता है। चलिए तो ये प्रोसीजर मैंने आपको बता दी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिटवीन अ टाइगर एंड अ मंकी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंट, है बंदर और बाघ में क्या अलग है, क्या उनका किंगडम अलग है, क्रम यानी फाइलम, ऑर्डर या फिर क्लास, है ना, क्या अलग है एक टाइगर और एक बंदर में। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइगर और एक बंदर की बात करें तो उनके बीच में जो उनका ऑर्डर होता है वो डिफरेंट होता है। ऑर्डर इज डिफरेंट बिटवीन अ टाइगर एंड अ मंकी, है ना। यहाँ पे ऑर्डर की बात करें, देखो किंगडम इज डिवाइडेड इंटू फाइलम, है ना, एंड फाइलम इज फर्दर डिवाइडेड इंटू क्लास, एंड क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इंटू ऑर्डर्स। तो ये जो ऑर्डर होता है वही एनिमल का, जो कि टाइगर है और जो क्या बोलते हैं मंकी है, वो दोनों का डिफरेंट होता है ना। जो कॉमन्स होते हैं यहाँ पे, क्लास जिसका कॉमन होता है, जैसे मैमल्स की बात करें, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट्स, ये सब के सब क्या है, कॉमन क्लास होती है इनकी। बट इनके जो ऑर्डर की बात करें तो उसमें टाइगर और टाइगर जो होता है कार्निवोरस में आता है, वही मंकी जो होता है वो प्रिमेट ऑर्डर में आता है। इस तरीके से टाइगर और जो है मंकी डिफरेंट होते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं मैमेलियाज में आते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, है ना, प्रोटीन की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है। देखो प्रोटीन जो न्यूट्रिशन की कमी की होने वाली जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, है ना, इसके अलावा विटामिन में जैसे ए बी सी और डी वगैरह, इन सब विटामिन की कमियों से होने वाले रोग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन सी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से क्या होती है, है ना। तो इन सभी को आप एक नोटिस बना लेना, आप मुझे कमेंट में करना, मैं इनके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि कौन सी विटामिन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको बताना है कि प्रोटीन की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी होती है। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी होती है क्वाशियरकर। ये जो क्वाशियरकर जो डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन बॉडी, दिस डिजीज यूजुअली फाउंड इन द कंट्रीज वेयर गुड फूड इज नॉट रीडली अवेलेबल। ओके, जहां पर जो गरीब देश है, जहां पर खान पीन बच्चों को अच्छे से मिल नहीं पाता, वैसे में छोटे बच्चों के बीच में क्वाशियरकर नमक डिजीज होती है, जिसकी वजह से उनका जो इस तरह का कंडीशन होता है, जो जो हाथों की जो स्किन होती है वो काफी ज्यादा भद्दा हो जाता है, मोटा हो जाता है और पेट बाहर निकल आता है। तो ये डिजीज काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, शरीर का ढांचा जो होता है बिल्कुल ही बदल जाता है और आदमी कमजोर भी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न इज दैट व्हिच इज द करेक्ट सिक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेवल्स, इस तरह के बढ़ते क्रम में सही क्रम कौन सा है ना, मतलब सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े वाले क्रम में आपको इनको लेवल करना है, जिसमें आप इसमें ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, जैसे क्या सबसे पहले टिश्यू आता है, फिर सेल, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो आपने पढ़ा होगा, अगर आप बायोलॉजी ने आपने ठीक ढंग से 10th क्लास तक पढ़ी है तो उसमें आपको ये चीज पता चल गई होगी कि सबसे पहले जो हमारे बॉडी जो है ना, हमारे बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है उसमें सबसे जरूरी और सबसे बेसिक चीज होती है क्या, सेल, है ना। कोई भी जीव हो वो सेल से ही मिलकर के बना होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, है ना। जैसे कि हम अभिमा पैरामिशन की बात करते हैं तो सिंगल सेल्ड एनिमल होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव में भी वो सारी क्रियाएं होती हैं जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकता है ना, फिर भी उनमें सेल एक ही होता है और एक ही सेल की वजह से अपना वो सारा प्रोसीजर करते हैं, चाहे उनको चलना हो, खाना हो, पीना हो, एक्सर्सन करना हो, है ना, रेस्पिरेशन करना हो, ये सभी की चीजें वो एक ही सेल से कर पाते हैं। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी उनका भी जो शुरुआत होता है वो सिंगल सेल से ही होता है। इवन दैट ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो होता है, जो जैमेट्स बनते हैं इन द फीमेल ओवरी, वहां से ह्यूमन बींग्स की शुरुआत होती है और ये एक सेल फर्दर डिविजन करते करते हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। हमारी बॉडी सबसे पहले स्टार्ट होती है सिंगल सेल से, इसके बाद नंबर ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, एंड नंबर ऑफ टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, नंबर ऑफ ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, और नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ ह्यूमन बॉडी, है ना। तो हमारे बॉडी में देखो एक सेल होती है, उसके बाद टिश्यू होती है, टिश्यू बनाती है ऑर्गन, जैसे कि हमारा लीवर हो गया, लंग्स हो गया, हमारा जो भी किडनी हो गई, ये सारे क्या है, ऑर्गन्स है। इन सभी ऑर्गन्स को मिला दिया जाए तो एक ऑर्गन सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी कि श्वास तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है ना, एक्सक्रीशन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र होता है। अब देखो श्वास तंत्र की बात करते हैं, श्वास तंत्र हमारे क्या आते हैं, हमारी नाक आती है, हमारी सांस नलिका आती है, हमारे फेफड़े आते हैं, ये सांस में, सांस तंत्र श्वसन तंत्र में आ जाए। वहीं अगर हम पाचन तंत्र की बात करते हैं, हमारा हमारा मुंह हो जाता है, हमारा फूड पाइप हो जाता है, हमारी किडनी, सॉरी हमारा लीवर हो जाता है, इसके अलावा जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम है।
तो ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारी ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं। फिलहाल ये बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे बॉडी में बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एग्जीक्यूटरी सिस्टम है ना, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलकर ही तो हमारी बॉडी बनती है, और तभी तो हमारा बॉडी एक फंक्शन कर पाता है, एक कार्य को कर पाता है। तो ऐसे में ये ऑर्डर क्या है, काफी ज्यादा सही लग रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, और मैंने सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में डिटेल देने की जरूरत पड़ रही है वहाँ मैं दे भी रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन में जहाँ पर लिखने की जरूरत है वहाँ मैंने लिख भी रखा है। इसलिए आप इस वीडियो का पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पे जा करके, वहाँ पे जाकर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर इन सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर इन सभी क्वेश्चन का मैं क्विज टेस्ट लेता हूँ है ना, इन सभी क्वेश्चन को डेली सैटरडे को, ओके सैटरडे को इवनिंग 8 o'clock पे आप आ सकते हो। ठीक है, सैटरडे को इवनिंग 8 o'clock पे आप मेरे चैनल पे आओगे, वहां पर आपको क्विज वाइज यहाँ पे टेलीग्राम पे क्वेश्चन मिलेगा, यही सारे प्रश्न होंगे जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दिया करो, क्योंकि क्वेश्चन अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे भी 7th एग्जाम एनटीपीसी का हो रहा है, सीएसएस का आ रहा है, सीजीएल का पेपर आ रहा है, पीईटी का पेपर आ रहा है, तो बहुत सारे पेपर आपको एक बाय डे बाय डे करके ऐसा आने वाला है। तो इन सभी पेपरों में ना जो जो जीके का जो पोर्शन है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जीके करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ऐसे में आप इनको जरूर करा करो है ना, आपको काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। तो ये क्वेश्चन था क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोक्लाइट ग्लैंड है ना, हेट्रोक्लाइट ग्लैंड किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। हेट्रोक्लाइट ग्लैंड वो ग्लैंड होती है ना जो एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन होती है। अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होता है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथियां है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि में डिफरेंट क्या होता है कि देखो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है ना उनका जो स्राव होता है, यानी कि उनके जो देखो हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो होता है ना वो हार्मोन होता है, और ये हार्मोनों का जो श्रावण होता है वो ब्लड के थ्रू हो जाता है ना, और जबकि जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती हैं जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, उनके लिए अलग से डक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और वो डक्ट जो होती है जहां पर उनको स्राव को जाना होता है वो वहां पे स्रावित करती हैं। लेकिन ऐसी ग्रंथि जो एक्सोक्राइन भी हो यानी अंतःस्रावी भी हो और बाह्य स्रावी भी हो, ऐसे ग्रंथि को हम बोलते हैं क्या, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, और ये हमारी पैनक्रियाज होती है जो दोनों ही तरह का काम करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ मैंने आपको बता दिया, और आपको ये भी समझना होगा कि जो हमारी ये हेट्रोक्राइन यानी कि पैनक्रिया जो होती है ना वो हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, कौन सी, सेकेंड लार्जेस्ट, और वही लीवर जो होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन में सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। तो ये भी आपको जीके क्वेश्चन में आपको याद होना चाहिए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हमारे बॉडी में, तो वो होती है लीवर, और पैनक्रिया दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए अगला प्रश्न है, जो पक्षी पानी में तैरते हैं उनमें डैश होता है ना, पानी में तैरने वाले पक्षियों की एक अलग ही फीचर होती है, वो उसको पता होगा कि वो फीचर कैसी होती है, तो इस तरह का आपने देखा होगा ये लेग होता है, इसे कहते हैं क्या, वेब फीट है ना, वेब फीट यानी झिल्लीदार पैर होती है, जैसे बत्तख वगैरह आपने देखा होगा तो उनके पैरों में इस तरह की चीजें देखोगे जिसकी वजह से वो पानी में तैरने में उनको हेल्प मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, पादप जगत में निम्नलिखित में से किसे उभयचर कहा गया ना, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं, वो ऐसे जीव जो पानी में भी और इस तरह जमीन पर भी रह सकते हैं, तो पानी में भी और जमीन पर भी रहने वाले कोई जीव होगा। तो इंसानों में तो खैर अगर एनिमल की बात करें तो जैसे कि आप फ्रॉग की बात करते हो है, तो या फिर टर्टल की बात करते हो, तो ये दोनों रह सकते हैं, उभयचर होते हैं ये। लेकिन अगर प्लांट में बात करो तो प्लांट में कौन होते हैं, वो होते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स ऐसा दिखता है, और इसकी खासियत होती है कि ये प्लांट्स जो होता है ना वो जहाँ पर मर्सी लैंड होती है, जहाँ पर पानी ज्यादा होता है वैसे जगहों पर ये रहते हैं। देखो तो इनके अंदर तो क्या होता है कि प्लांट जैसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट की होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक एनिमल की होती है, जैसे कि इनके पास क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये हरे दिखते हैं, बट इनके अंदर ना तो जाइलम होता है और ना ही फ्लोएम होता है, जिसकी वजह से ये पानी को डायरेक्टली फ्लोएम और जाइलम के थ्रू नहीं ले पाते जैसे कि दूसरे प्लांट लेते हैं, इसलिए इनको वाटर का सिंथेसिस करना होता है। ठीक है, तो वाटर इसलिए ये ज्यादातर पानी वाले जगहों पर ही मिलते हैं, तो एक तरीके से ये पानी वाले प्लांट भी हो गए और जमीन पर रहने वाले भी प्लांट हो गए, कुल मिलाकर के ये एम्फीबियंस बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कल भी कराया था ना दांतों को लेकर के, कि टाइप्स ऑफ टीथ को लेकर के, तो आपको मुझे बताना है कि हाउ मेनी टीथ आर देयर इन द ह्यूमन बींग्स, तो ये कितने तरह के होते हैं, कुल चार तरह के होती हैं। देखो चार तरह की टीथ कौन कौन सी होती है, आपको पता होना कि जो ये आगे के जो चार दांत होते हैं ना इन्हें कहते हैं इंसिजर्स है ना, इंसिजर्स होते हैं। अच्छा, इसका मैंने कल फार्मूला भी बताया था, क्या आपको फार्मूला याद है,
है ना। आपको पहले मैंने फॉर्मूला बताया था दांतों को काउंटिंग को लेकर के, अगर आपको नहीं आता तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, ठीक है 2 1 2 3। इसमें पहला क्या होता है इंसीजर्स, उसके बाद होता है कैनाइंस, उसके बाद होता है प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स को पीएम लिख देता हूँ मैं, ठीक है उसके बाद होता है मोलर्स, ठीक है ये होता है मोलर्स। तो प्रीमोलर्स, तो इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, 2 1 2 3। तो देखो आगे के जो दांत आपको दिख रहे हैं ना, यहां से दो इधर लेफ्ट साइड के और दो होते हैं राइट साइड के, ठीक है तो दो हो गए। इसके बाद होता है एक दांत होता है कौन सा कैनाइंस, तो ये वाली जो टीथ होगी ना आपकी ये होगी कैनाइंस एक। उसके बाद दो दांत होती है प्रीमोलर्स, तो यहाँ के बाद ये जो दो दांत होगी जो प्रीमोलर्स, इसके बाद मोलर्स होती है जो तीन होती है जो सबसे लास्ट में आती है, तो ये तीन होगी तुम्हारी मोलर्स। तो आपको समझ में आ गया अभी, तो जितनी इधर उतनी इस तरफ, मतलब दो इधर इंसिजर तो दो इधर इंसिजर, एक इधर कैनाइंस तो एक इधर कैनाइंस, दो इधर प्रीमोलर्स दो इधर प्रीमोलर्स, और तीन इधर मोलर्स तो तीन इधर मोलर्स होती है। कल इसी इस तरह के क्वेश्चन में विजडम टीथ को लेकर के आया था कि विजडम टीथ कौन सा होता है, तो आखिरी वाला जो तीसरा दांत होता है वो विजडम टीथ होता है। और इस तरीके से जब आप काउंटिंग करेंगे तो नीचे की तरफ 16 और ऊपर की तरफ 16, तो कुल मिलाकर के 32 टीथ होती हैं। बच्चों में कितनी दांतें होती हैं वो पता होना चाहिए कि बच्चों में जो ये जो मोलार्स होती है ना ये नहीं होती है, यानी कि 3 और 3 6 और 6 ऊपर से ऊपर से, तो 6 6 कितने 12 दांत निकल जाते हैं, तो 32 में से 12 निकल जाते हैं तो कुल कितने बचे 20। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके अंदर कुल 20 टीथ होती है ना। आपको समझ में आ गया। अच्छा इन टीथों के वर्किंग भी पता होना चाहिए कि जो इंसीजर्स प्रीमोलर्स वगैरह होते हैं इनके काम क्या होते हैं। देखो इंसीजर जो होता है ना वो कटिंग और सेरिंग का काम करता है ना। इस तरीके से जो कैनाइंस होता है वो ग्रिप और टीयरिंग का काम करता है। प्रीमोलर जो होता है वो फ्लैट होता है जिसकी वजह से वो टीयर और क्रश करने के काम में आता है। वही मोलार जो होती है काफी ज्यादा चौड़े होते हैं, तो इनका काम जो होता है वो च्यू करना, क्रश करना और ग्राइंड करना होता है। तो ये वर्क भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, चाइम का तात्पर्य क्या है ना। चाइम या फिर इसे काइम भी पढ़ा जाता है, काइम रेफर्स टू द, तो काइम होता क्या है एक्चुअली। तो ये देखो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टिव डाइजेशन इन स्टमक, है ना। पेट में जो पचा हुआ जो उत्पाद होता है, जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद हमारे स्टमक में जाता है, तो स्टमक में जब उसको उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, फर्दर ब्रेक डाउन करके उसको एक लुगदी टाइप का बना दिया जाता है, और वो जो फर्दर क्या होता है कि हमारे ड्यूडेनम से कनेक्ट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो एक तरीके से वो पेस्ट के फॉर्म में जाता है ना, उस पेस्ट को क्या बोला जाता है, काइम बोला जाता है। और ये इस तरीके का होता है, देखो ये हमारा स्टमक है, इसके अंदर यहाँ पर इसको यहाँ पे काइम लिखा है, वॉल्युबल डाइजेस्टिव सिक्रेशन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये पचने के बाद जब ये पेस्ट के रूप में फॉर्मेशन हो जाता है तो इसे काइम बोला जाता है, और ये काइम फिलहाल बाइल डक्ट से होता हुआ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये पूरा का प्रोसीजर होता है, आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव दांत का एक प्रकार नहीं है ना। मानव दांत का एक प्रकार नहीं, मानव के दांत कौन कौन सा, इंसिजर्स पढ़ लिया आपने, कैनल्स पढ़ लिया, मोलार्स भी पढ़ लिया है ना, आपके पास कौन सा नहीं होता है, कारना सील्स नहीं होता है, इस तरह का कोई भी दांत मनुष्य के पास नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है ना। पोलियो इज कॉज्ड ड्यू टू, किसके कारण से पोलियो, देखो बीमारियों किसकी वजह से होती है, वायरस हो रही है, बैक्टीरिया हो रही है, फंगस हो रही है, प्रोटोजोआ हो रही है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ना। इनके ऊपर मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा जिसकी वजह से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बीमारियों से रिलेटेड ही होंगे, है ना। कौन सी बीमारी किस कारण होती है, पोलियो वायरस के कारण हो रही है, बैक्टीरिया के कारण हो रही है, किसके कारण हो रही है ना, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो फिलहाल आप मुझे बताइए कि पोलियो किसके कारण होता है। पोलियो इज कॉज ड्यू टू द पोलियो वायरस, है ना। पोलियो वायरस के कारण से पोलियो होता है, और जिसकी वजह से आप पता होना चाहिए कि पोलियो वायरस जो है ना वो माउथ की वजह से, यूजुअली फ्रॉम हैंड कॉन्टामिनेटेड, इस तरह की चीज़ें इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आने की वजह से पोलियो वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी फैलता है ना। तो एक तरह के कॉन्टामिनेटेड डिजीज भी होता है। पोलियो की खुराक अभी भी चलाई जा रही है इंडिया में, हालांकि इंडिया को 2025 तक पोलियो मुक्त भारत देश बनाना है भैया, है ना। तो ये WHO का मिशन था 2025, WHO का तो 2030 तक था, लेकिन इंडिया का मिशन है 2025 तक भारत को पोलियो मुक्त बनाना है, और उम्मीद करते हैं कि अब पोलियो मुक्त भारत हो भी चुका है, क्योंकि बहुत कम मामले आ रहे हैं भारत में, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैंने लिस्ट दे दिया वायरस से होने वाले डिजीज, उनके क्या टाइप होते हैं, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट करता है, और ट्रांसमिशन कैसे होता है ना, कॉन्टेक्ट से होता है, ड्रॉपलेट से होता है, तो ये सारे जो चीज़ें होती है ना आपको रिमेम्बर जरूर कर लेना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो जो भी वायरस से होने वाली डिजीज उनमें इन्फ्लुएंजा है, इसके अलावा एडेनोवायरस इन्फेक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी सिंटिकल डिजीज, रोनो वायरस इन्फेक्शन, हर्पिक सिंप्लेक्स, चिकन पॉक्स है ना, चिकन पॉक्स होता है, इसके अलावा मेजल्स होता है ना, रोबेला होता है, और स्मॉल पॉक्स लाइक,
और इसके अलावा आपने अभी फिलहाल कोरोना वायरस ये भी है ना, कोरोना COVID-19 ये भी किसकी वजह से फैल रहा है, तो ये भी क्या फैल रहा है, वायरस की वजह से फैल रहा है। और इसके अंदर जो टाइप है ना वो RNA ही है ना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पे अफेक्ट करता है, यहाँ पर आइज करता है ना। तो ये सारे जो डिटेल है आप उसको याद कर लीजिएगा। ट्रांसमिशन कैसे होता है, ड्रॉपलेट से, ड्रॉपलेट कॉन्टेक्ट। दो ही देखो, वायरस से फैलने वाला डिजीज में ये दो ही तरह का, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट या फिर ड्रॉपलेट से। क्योंकि जो वायरस होता है ना वो इनएक्टिव होता है अगर उसको हवा में छोड़ दिया जाए, लेकिन जैसे वो किसी भी कॉन्टेक्ट में आता है तो एक्टिव हो जाता है। इसलिए वो या तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जैसे कि वायरस कोरोना वायरस की बात करें तो ये भी ह्यूमन बींग्स का जो ड्रॉपलेट, जैसे खांसते हैं छींकते हो, जो माउथ से हमारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ये उन्हीं के माध्यम से तैरता रहता है। तब कोई कॉन्टेक्ट में आता है तो उससे भी वो वायरस पकड़ लेता है। तो यहाँ पर ड्रॉपलेट्स की वजह से ही वो लाइव रह पाता है, या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाए तो हो सकता है। तो ऐसे में वायरस जो होता है वो एक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है ड्यूडेनम, है ना। ड्यूडेनम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज ड्यूडेनम। ग्रहणी जिसको बोलते हैं, हिंदी में सिर्फ ग्रहणी बोलते हैं। तो ग्रहणी होता क्या, पेट का हिस्सा होता है, छोटी आंत का हिस्सा होता है, बड़ी आंत का, या फिर उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा। तो आपको पता होना चाहिए ड्यूडेनम जो होता है हमारे स्टमक का एक पार्ट होता है, ठीक है। और ये आपको ऐसा दिखता है, ठीक है। ये हमारा जो है, हमारा जो क्या है, ये स्टमक है। स्टमक के पार्ट में आप देखोगे तो ये जो आगे का पार्ट दिख रहा है ना, ये ड्यूडेनम होता है। और ये ड्यूडेनम फर्दर आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये देखो ईसोफेगस है, जो हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप कही जाती है, ये फूड पाइप हमारे स्टमक में डायरेक्टली जाके कॉन्टेक्ट करता है। तो ईसोफेगस यहाँ पर क्रोसल नॉच होता है, हमारे स्टमक में आता है, स्टमक में से कनेक्ट करते हुए ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खाना चला जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट होता है जिसे आपको जानना चाहिए। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है ना। मानव शरीर के पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, फारिंक्स, लैरिंग्स और इसोफेगस। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पाचन तंत्र में लैरिंग्स नहीं होता, क्योंकि लैरिंग्स जो होती है श्वास नलिका होती है, जो हम सांस लेते हैं उस वाली नलिका को हम कहते हैं लैरिंग्स। देखिए ये होती है लैरिंग्स यहाँ पे, ठीक है। सांस लेने की, अच्छा ये सब उल्टा हो गया, सॉरी, तो ये फिगर एक्चुअली उल्टा हो गया है, ठीक है। तो ये होता है लैरिंग, जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर देखो क्या होता है, एक इपिग्लॉटिस होता है यहाँ पे, जो हमारे आगे हमारे गले में यहाँ पे उभरा हुआ दिखाई देता है ना, वो इपिग्लॉटिस होता है। इसका काम क्या होता है कि जब हम सांस से खाना खाते हैं तो ये ओपन हो जाता है और खाना हमारे फूड पाइप में चला जाता है, और बाकी टाइम ये बंद रहता है जब हम बोलते रहते हैं। तो इस तरीके से बोलने के वक्त जो हमारा है ना लैरिंक्स जो हमारा ओपन होता है, जिसकी वजह से हमारी हमारे नाक के द्वारा सांस इधर अंदर से सांस आती रहती है, ठीक है। तो ये होता है एपिग्लॉटिस का काम, और लैरिंक्स जो होता है वो हमारा विंड पाइप होता है, सांस लेने की नलिका होती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संघ लाइकेन बनाता है ना। लाइकेन से, लाइकेन होता क्या आपको पता होना चाहिए कि लाइकेन होते क्या। तो मैं आपको पहले बता दूं कि लाइकेन एक्चुअली होता क्या है। देखो, अ वेरी स्मॉल ग्रीव और येल्लो प्लांट दैट स्प्रेड ओवर द सर्फेस ऑफ रॉक, है ना। पत्थरों के ऊपर इस तरीके का चीज आपने देखा होगा जो येलो येलो टाइप का दिखाई देता है, इसे कहते हैं क्या, लाइकेन्स। ये जनरली रॉक्स, वॉल और ट्रीज के साथ साथ, ट्रीज वगैरह पे फैलते रहते हैं ये, एंड डज नॉट हैव एनी फ्लावर, इनके में फ्लावर भी नहीं होता। तो इस तरीके से इन्हें हम कहते हैं लाइकेन्स। अच्छा, ये लाइकेन्स का क्या काम होता है, लाइकेन्स जो होता है सहजीवी होते हैं। सहजीवी होने का मतलब कि देखो ये अपना खाना खुद से बना नहीं पाते, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता नहीं है, क्योंकि इनका कलर ग्रीन होता है, सॉरी ग्रीन नहीं होता है, येलो टाइप के होते हैं। तो ऐसे में इनको सहजीवी की जरूरत पड़ती है, ऐसा जीव जो इनके लिए खाना बना सके। तो इसलिए अल्गी और फंगस एक तरीके के सहजीवी कहे जाते हैं, है ना। जो अब यहाँ पे अल्गी जो होगा वो क्या करेगा, इनके लिए खाना बना के तैयार कर देगा, है ना, और ये खाना खा लेंगे। तो इस तरीके से ये सहजीवी की क्रिया निभाते हैं लाइकेन्स। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त में RBC के बढ़ने से एक स्थिति होती है जिसे क्या कहते हैं। RBC की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल। और इस तरह की बीमारी को हम कहते हैं क्या, पोलीसाइथेनेमिया। और ये पोलीसाइथेनेमिया कुछ इस तरीके दिखाई देता है, आपके हाथों पे इस तरीके के दाने दाने से दिखने लगते हैं, जो कि बड़ा ही भद्दा दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, RBC की काउंटिंग बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ RBCs अगर बढ़ जाते हैं तो बॉडी में इस तरह की चीजें को आपको देखने को मिलता है। पीपल विद दिस कंडीशन हैव थीकर ब्लड, है ना, ब्लड काफी ज्यादा थीक हो जाता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन में दिक्कत आने लगती है और उसकी सांसें फूलने लगती हैं, ब्लड काफी अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पाता। चलिए हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न करके आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपने काफी अच्छा स्कोर भी किया होगा। नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, बार बार इस वीडियो को देखकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। और हाँ, सबसे प्रैक्टिस करने की अगर आप चाहते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर मैं रोजाना सैटरडे को क्विज टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। ये वीक में जितने भी आपने क्वेश्चन किए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन का सैटरडे को टेस्ट लिया जाएगा, आप उनको जाकर दीजिए, काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, नॉलेज आपका बढ़ेगा
और अगर ऐसा करने में आपको मेरी वजह से कुछ हेल्प मिल रही हो तो जरूर आप इसे लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपके जानने वाले लोग हैं, उनको भी नॉलेज मिले। और अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि जो भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लार ग्रंथि नहीं है ना, विच इज नॉट अ सैलिवरी ग्लैंड, है ना। सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होता है, जहाँ से टैलिन रिलीज होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा हमारी सैलिवरी ग्लैंड नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा कैक्यूम। ठीक है, तो ये हमारी सैलिवरी ग्लैंड नहीं है। जो कैक्यूम होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। हमारे पास जो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं वो जनरली हमारे माउथ में ओपन होती हैं। दे आर पेट्रोटाइट, सब मैक्सिलर और सब लिंगुअल, है ना। तो पेट्रोटाइट जो होता है, पेट्रोटिड्स, ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, इसे आप रिमेम्बर कर लीजिएगा। तो आज का ये इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और फर्दर इस तरह के वीडियो लाने के लिए और मुझे इनकरेज करने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी इस तरह की वीडियो को लेकर आता रहूँ। तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।